और पटना से बड़ी खबर मिल रही है, अनंत सिंह पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास, सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच में मुलाकात होती रही। अनंत सिंह ने की सीएम नीतीश कुमार की तारीफ, मैं 2025 का चुनाव लड़ूंगा ये घोषणा कर दी गई है, 2025 में भी नीतीश ही सीएम होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनंत सिंह ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की है, साथ ही साथ ये ऐलान भी कर दिया कि 2025 का वो चुनाव लड़ेंगे और इस दौरान सीएम भी नीतीश कुमार ही बनेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनंत सिंह पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास, जहां पर उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस दौरान जब वो बाहर निकले तो उनकी तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि 2025 में वो चुनाव भी लड़ेंगे और सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद बाहर निकल रहे हैं और जाहिर सी बात है जिस मामले में उन्हें बरी किया गया उसके बाद जेल से बाहर निकले और उसके बाद लगातार इस बात की चर्चा थी कि क्या अनंत सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और उनसे कई बार ये सवाल भी पूछा गया था, लेकिन आज अनंत सिंह नीतीश कुमार का आवास सिकंदर मार्ग पहुंचे और इस वक्त तस्वीर देखिए, लगभग आधे घंटे मुलाकात करने के बाद बाहर निकल रहे हैं और जाहिर सी बात है अनंत सिंह के नीतीश कुमार से मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे दिलचस्प है कि अनंत सिंह अनंत सिंह जेल से बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, क्षेत्र घूमने के लिए गया थे, जनता कुछ काम बताए तो है ऐसे काम के हमको काम कर दीजिए। सब लोग पीछे करिए ना, आप जब निकले हैं तो तेजस्वी कह रहे हैं कि आपको बचाया गया है, आपको बचाया गया है। अब जो काम हमको पूछा बता दिए, सब अगल बगल हमने बढ़ा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार क्या बोले हैं? काम से गए हैं, बोले कि काम हो जाएगा। चुनाव लड़ रही है, 25 में चुनाव भी लड़िएगा क्या? 25 में चुनाव लड़ेंगे। और सर कैसा रहा मुलाकात, बहुत दिनों के बाद आपकी मुलाकात हुई? बढ़िया मुलाकात रहा। क्या कुछ बोला मुख्यमंत्री जी ने? मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोले, हम काम से गए, जो काम कर दिए। आपको लगता है बिहार बदल दिया है नीतीश कुमार ने, सब कुछ बदल दिया है? वो तो आप लोग को भी जनाता होगा। सर 2025 में क्या लग रहा है, सर कौन जीतेगा? जो है से है रहेंगे, दूसरा कोई नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। तो देखिए अनंत सिंह मुलाकात करने के बाद बाहर निकले हैं और मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की और कहा कि मुलाकात काफी अच्छी रही। उन्होंने कुछ काम बोला, उस काम के बारे में भी आश्वासन दिया मुख्यमंत्री ने कि वो काम करेंगे और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी वो लड़ेंगे। साथ ही नीतीश कुमार से लंबे समय के बाद मुलाकात हुई, इस बात को लेकर अनंत सिंह भी बेहद उत्साहित है। जाहिर सी बात है अनंत सिंह का नीतीश कुमार से मुलाकात करना और मुलाकात के बाद नीतीश कुमार की तारीफ करना, जिसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ पूरी तरीके से आ चुके हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद अनंत सिंह ने साफ किया कि 2025 का विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे। कैमरा में दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद, जैसे कयास लगाए जा रहे थे अनंत सिंह को लेकर, वो कयास एकदम सटीक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की और ये भी कह दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, इसके मायने यही है कि जेडीयू के साथ जा रहे हैं अनंत सिंह? देखिए, अब इसमें कोई शक नहीं रह गई, क्योंकि इसके पहले भी अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ रह चुके हैं, लेकिन बीच में जब कुछ दूरियां हो गई थी उसके बाद अनंत सिंह अलग हो गए थे, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद नीतीश कुमार को उन्होंने कई बार तारीफ किए और आज आकर मुलाकात करना और मुलाकात के बाद ये कहना कि मेरी मुलाकात काफी अच्छी रही और मैंने जो बातें कही उस बात पर भी नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया कि पूरा काम होगा। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कहा कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये तमाम बातों से साबित होता है कि नीतीश कुमार के प्रति उनकी नजदीकियां ये साफ साफ इशारा कर रही हैं कि अनंत सिंह आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ ही जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कह दी कि 2025 का विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे। और वाकई जो सस्पेंस लगातार बना हुआ था, उस सस्पेंस से उन्होंने पर्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव भी लड़ेंगे और सीएम नीतीश कुमार के पक्ष में वोट भी मांगेंगे, क्योंकि उनका ये इशारा कि सीएम नीतीश कुमार ही फिर से सीएम बनेंगे, ये इसी ओर जाता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।